व्हाट इज़ अ वैक्सीन एंड हाउ इट वर्क्स। वैक्सीन का पहली बार इस्तेमाल 1796 में सामने आता है। उस वक्त एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने 13 साल के लड़के को वैक्सीनिया वायरस यानी काउपॉक्स के वायरस से वैक्सीनेट किया था। उसके फलस्वरूप वो लड़का स्मॉल पॉक्स के वायरस से बिल्कुल इम्यून हो गया था। तब से लेकर आज तक वैक्सीन्स पे काफ़ी रिसर्च और काम हुआ है और आज दुनिया में 20 से भी ज़्यादा बीमारियों और इन्फेक्शंस के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। WHO के आंकड़ों के हिसाब से वैक्सीन के यूज़ से पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस इत्यादि से होने वाली लगभग 20 से 30 लाख मौतों को सालाना रोका जाता है। वैक्सीन्स की हिस्ट्री एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि किस तरह वैक्सीन्स ने हर आउटब्रेक, हर एपिडेमिक और पेंडेमिक में इंसान की जानें बचाई हैं। ये काम किस तरह करती हैं? वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को रिकग्नाइज करने में, साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन भी करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में। इन वैक्सीन्स को बनाने में ज़्यादातर किल्ड, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड वायरसेस का यूज़ किया जाता है और यही वजह है इन वैक्सीन से कोई भी रियल इन्फेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ वायरस को मिमिक करती हैं यानी वायरस की नकल भर करती हैं ताकि हमारी बॉडी उसे आइडेंटिफाई कर सके और उसे फाइट कर सके। वैक्सीन्स को ज़रूरत के हिसाब से ओरली या इंजेक्ट करके दिया जा सकता है। इस कोरोना काल में वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है इस वायरस से खुद को बचाने का, लेकिन वैक्सीन्स भी तभी काम करेंगी जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे।